हे दोस्तों, मैं हूं शिखा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप ये फेस्टिव सीजन आपका एकदम बढ़िया जा रहा होगा। सो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, खूब मस्ती कीजिएगा। सो आज की जो हॉल वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ बहुत प्यारे कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और सच में यार, मतलब कलेक्शन बहुत ही ज्यादा सुपर्ब होने वाला है। सो वीडियो को पूरी चेक कीजिएगा, जितनी भी डिटेलिंग है आपको वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। प्राइस डिटेल साथ में मेंशन कर दूंगी और लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ट्यूनिक मैंने पहना हुआ है, इसका रिसेंटली मैंने वीडियो शेयर किया है, तो आप फटाफट मेरे चैनल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। काफी रीजनेबल कलेक्शन था ये। और आज की जो हॉल वीडियो है, ये सारे प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से पिक किए हैं। सो यस, एक सुपर्ब सा कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। फर्स्ट वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक ब्यूटीफुल सा अनारकली कुर्ता सेट। ये है ब्रांड गुलमोहर जयपुर से। अच्छा, मैंने इसका साइज दिया लार्ज, लेकिन मेरे को मीडियम इजिली आ जाता, बट कॉटन का था, पैंट इसके साथ ही, तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं मेरे को बॉटम आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बॉटम लार्ज के अकॉर्डिंग मेरे को ठीक आ रही थी, लूज ही आ रही थी। मीडियम भी मैं लेती तो चल जाता। प्योर कॉटन का ये कुर्ता सेट है, फ्लोरल प्रिंट में, बहुत ही ज्यादा प्यारा ये कुर्ता सेट। नेक आप इसका देखिए, वी है, अंगरखा पैटर्न में ये है। यहाँ पर आपको एकदम खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, जिस पर सीक्वेंस और रेशम थ्रेड वर्क आपको मिलेगा, क्योंकि अंगरखा पैटर्न में, तो साइड में आपको डोरी मिलेगी और ये फैब्रिक टसल आपको मिल जाएगी। इसका जो प्रिंट है ना, मतलब वो बहुत अच्छा लगा। ब्लैक के ऊपर जैसे एकदम खिलकर आ रहा था ये कलरफुल प्रिंट। इसका जो फ्लेयर है वो कलियों वाला है, बहुत अच्छा फ्लेयर है। मतलब मैं सिर्फ यही कहूंगी कि यार, बहुत 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 अच्छा पीस है। पसंद आ रहा है ना, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप इसको इजीली खरीद सकते हो। ये था इसका फ्रंट लुक, पूरा ही प्रिंटेड है। बैक साइड से आएगा, 3/4 इसकी स्लीव्स है। यहां पर भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिल जाएगा। बाकी इसका एग्जैक्ट लुक आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा। इसके साथ पैर अप में सेम बॉटम आएगी, सेम फैब्रिक, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम बॉटम आएगी। और फैब्रिक इसका कॉटन में भी ना, एक आपको बहुत सॉफ्ट मखमल टच देगा, होता ना, मतलब कॉटन भी एकदम सॉफ्ट वाला, वो वाला इसका कॉटन है। दोनों साइड इलास्टिक है, सो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। लेंथ अच्छी है, फिटिंग एकदम प्रॉपर है, बढ़िया सा पीस, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। थर्ड पीस आएगा प्योर कॉटन का दुपट्टा, जिसकी विड्थ आप देखो एकदम सुपर्ब है, चारों कॉर्नर पर टसल मिल जाएगी, लेंथ एकदम परफेक्ट है, पीस में नहीं है कोई भी कमी, मतलब बिल्कुल भी कमी इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। प्राइस डिटेल है साथ में मेंशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, जहां से आप इसकी इजीली शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत प्रिटी कुर्ता सेट। घर में शादी है, हल्दी फंक्शन के लिए कुछ हल्का फुल्का सा पीस आप ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला आप जरूर ऑप्ट कर सकते हो। मतलब प्रॉपर वही कलर है, एकदम ब्राइट वाला जो येलो होता है ना, वही। इसका जो ब्रांड है वो है गुलमोहर जयपुर। अच्छा, इसका भी गुलमोहर जयपुर ब्रांड है। साइज मैंने इसका भी लार्ज ही लिया है। और ये आप देखिएगा, नेक इसका आई थिंक दिख करके आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो वी नेक है, लेकिन अंदर पूरे में वी नेक में फैब्रिक लगा हुआ है और इसमें डोरी बंधी हुई है, जिसमें आपको ये फैब्रिक टसल्स मिल जाएगी, ठीक है। नेक पर आपको एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। फ्लेयर इसका भी कलियों वाला है, पहले वाले से कम है, लेकिन हाफ लेयर इसका भी अच्छा है। फैब्रिक इसका रेयन मिक्स है, काफी हैवी और गफसा फैब्रिक है। येलो के ऊपर पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट ना, दूर से ही खिलकर आ रहा है और पहनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। पीस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो यस, गुड टू गो प्रोडक्ट है, इजी टू वियर प्रोडक्ट है। ये इसका फ्रंट लुक आएगा, ये है इसका बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएगी, यहां पर भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिल जाएगा, बाकी आपको ट्राई ऑन में एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मिक्स फैब्रिक है, मतलब रेयन और कॉटन का मिक्स है, बाकी कोई और मिक्स नहीं है, गफ फैब्रिक है, अच्छा एकदम हैवी सा पीस है। इसके साथ पैर में जो बॉटम आएगी, रेयन फैब्रिक की प्लेन बॉटम है, दोनों साइड इसमें इलास्टिक है, लेंथ विड्थ से एकदम परफेक्ट, बढ़िया सी फिटिंग की, बढ़िया सी बॉटम और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। थर्ड पीस आएगा दुपट्टा, ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक में दुपट्टा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दुपट्टे की आप विड्थ देखो, लुक एट दिस, एकदम परफेक्ट विड्थ, चारों कॉर्नर पर टसल, एकदम परफेक्ट लेंथ और चारों तरफ आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। पीस में इतनी सी भी कमी नहीं है, होती तो आई एम श्योर मैं आपको बताती, अच्छा और एकदम सुपर पीस ये है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, गेनिक और अनारकली कुर्ता सेट। और आज मैंने ब्लैक कलर के पिक कर लिए तीनों, मैंने ध्यान नहीं दिया, तीन पीस मैंने ब्लैक कलर के लिए आज की वीडियो में। ये भी गुलमोहर जयपुर से है, इसका साइज भी मैंने लार्ज लिया है। और लुक एट दिस, प्योर कॉटन का बहुत फाइन पीस है। मतलब सारे पीसेस ना आज के, मेरे को जब मैंने ट्राई ऑन शूट किया था ना, पहनकर बहुत अच्छे लगे थे। नेक इसका वी है, बैक नेक इसका राउंड है, अंग रखा पैटर्न में है, लेकिन योक पर आपको अलग से पाइपिंग लग के बॉर्डर, मतलब अलग से फैब्रिक अटैच मिलेगा, जिसमें जरी वर्क मिल जाएगा, जो आई थिंक आपको दिख करके क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि अंगरखा पैटर्न में है ना, मतलब
पैटर्न अंग रखा नहीं, थोड़ा डिजाइन उसी तरह का है। तो यहाँ पर आपको डोरी मिलेगी जिसमें टसल्स भी है। अब क्या था, क्योंकि लार्ज था तो मेरे को वेस्ट से बहुत लूज आ रहा था, तो मैंने इसकी डोरी को ना ऐसे करके बैक साइड बांध दिया जिससे कि वो फिटिंग का है और पहनकर अच्छा लगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपना ट्रू साइज ही लीजिएगा। बाकी पूरे में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिलेगा। अगेन ये भी कलियो वाले पैटर्न में है, फ्लेयर इसका भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी कम फ्लेयर इसका नहीं है। बॉटम में आकर के बॉर्डर लुक मिल जाएगा, ऑल ओवर पहनकर अच्छा लगा। पीस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो एक गुड टू गो प्रोडक्ट ही है। ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक लुक है। 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी, यहां पर भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा। और ये वाला जो फैब्रिक है जो इसके योक पर अटैच है, स्लीव्स पर अटैच है, नीचे बॉर्डर में है, सेम यही इसकी बॉटम आपको मिलेगी। प्लस इसमें ना आपको फॉल्स मिरर वाली डिटेलिंग भी मिल जाएगी। आप देखिएगा इसकी बॉटम का जो प्रिंट है वही है जो इसके बॉर्डर नॉर्मली यूज हुआ था। दोनों साइड इसमें इलास्टिक है, फैब्रिक जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक में कोई कमी नहीं है, फिटिंग एंड ऑल से एकदम परफेक्ट। सो अच्छा सा रिकमेंडेड प्रोडक्ट मेरी तरफ से ये भी है। इसके साथ पैरअप में जो दुपट्टा आएगा, विड्थ एकदम प्रॉपर है, लेंथ बहुत अच्छी है, दुपट्टा पूरा ही प्रिंटेड है। सो यस, एक मस्ट हैव पीस ये है और कोई कमी इस पीस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट में दिखाने वाली इसके साथ जो मैंने फुटवेयर वियर की है, बहुत सारे लोग मतलब मैं देखती हूँ कि हील्स पहनने का मन करता है, कमेंट आते हैं कि हील्स पहनने का मन करता है लेकिन हील्स कंफर्टेबल नहीं लगती। सो आज जो मैं फुटवेयर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाटा की ये है। बहुत जरा सी हील मिलेंगी, आप अगर ऑफिस जाते हो रेगुलर और आपको एक यार फ्लैट नहीं पहन के जाना, कभी कभी मन करता है कि चलो फेस्टिव सीजन चल रहा है अच्छा सा एथनिक सूट पहना, लेकिन फ्लैट नहीं मन कर रहा पहनने का, तो इस तरह की हील्स आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है। पूरा दिन आप इन्हें विदाउट एनी टेंशन पहन सकते हो, पहनकर भागा दौड़ी भी खूब करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल ये है और सच में बहुत अच्छा है, मतलब पीस बहुत अच्छा है। सो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट मेरी तरफ से है। नेक्स्ट कुर्ता पर मैंने ये वाली ही फ्लैट्स डाली है, एग्जैक्टली फ्लैट तो नहीं है, आप देखो बहुत जरा जरा सी हील है। सो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मुझे बहुत पसंद है ये और मैं जब से इनका हॉल वीडियो शेयर किया ना तब से इनको काफी ज्यादा यूज भी कर रही हूँ। सो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगेन एक और ब्लैक कलर का कुर्ता सेट, साइज मैंने इसका भी लार्ज लिया है। ये जो है ना थोड़ा एथनिक कोट सेट या फिर कुर्ता प्लाजो कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। डिटेलिंग की हम बात करूं तो आप देखिए नेक इसका कॉलर वाला है, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की लेस मिल जाएगी और नेक पर आपको मिल जाएगी व्हाइट कलर की पाइपिंग। बाकी बात करूं इसकी एम्ब्रॉयडरी की तो पूरे ही कुर्ते पर आपको व्हाइट कलर की बड़ी सी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जिसमें फिनिशिंग काफी अच्छी है। आप पास से देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिनिशिंग इसकी काफी अच्छी है, लुक इसका पहनकर अच्छा आया। और ये ना एक पठानी काइंड ऑफ कुर्ता है जो साइड से आप देखो हल्का सा राउंड है और साइड स्लिट पोर्शन पर भी आपको पूरे परे व्हाइट कलर की लेस मिल जाएगी। कुर्ते की लेंथ एकदम प्रॉपर है, पहनकर अच्छा लग रहा था। सो ये है इसका फ्रंट लुक, बैक साइड से एकदम प्लेन आएगा और जिसका आर्म होल वाला पोर्शन है वहां पर भी आपको व्हाइट कलर की लेस मिल जाएगी। स्लीव्स इसकी फुल स्लीव्स आएंगी, यहाँ पर भी एक छोटा सा बॉर्डर काइंड ऑफ हो जाएगा मतलब लेस की वजह से, लेकिन मेरे को पर्सनली फुल स्लीव्स पहनकर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसकी स्लीव्स को ना ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, मतलब ऐसे से खींचा हुआ था जो आपको दिख करके क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कुर्ते का फैब्रिक रेंज वाइज अच्छा है, लुक भी रेंज वाइज काफी अच्छा आया और सेम ऐसा यार फैशोर में है जो कि काफी महंगा है, तो ये वाला आप जरूर ट्राई कर सकते हो, रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा पीस है। इसके साथ पैरअप में जो बॉटम आएगी दोनों साइड इलास्टिक है, सो पहनने में कंफर्टेबल है और लेंथ विड्थ एकदम परफेक्ट है। अच्छा अगर आपका साइज ना मीडियम टू लार्ज है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लार्ज ही लीजिएगा। लाइक अगर मैं इसका मीडियम ले लेती ना, बाकी तीन कुर्ते का मेरे को मीडियम आ जाता, लेकिन इसका अगर मैं मीडियम ले लेती तो मेरे को बॉटम से और जो शोल्डर वाला पोर्शन होता है ना यहाँ से बहुत ज्यादा खिंच जाता। सो अच्छा मतलब मैंने लार्ज ही ले लिया। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मीडियम टू लार्ज पहनते हैं, स्मॉल टू मीडियम पहनते हैं तो वो साइज लीजिएगा जो बड़ा हो, स्मॉल टू मीडियम वाले मीडियम और मीडियम टू लार्ज वाले लार्ज, लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज वाले एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो यस, एक अच्छा सा पीस ये है, फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, रेयन मिक्स में इसका फैब्रिक है, एग्जैक्ट रेयन भी नहीं है, एग्जैक्ट कॉटन भी नहीं है। सो यस गाइस, ये था मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा। और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।